हाई स्टूडेंट वेलकम इन एमार्ट क्लासेस आज का लेक्चर है मॉडूल नंबर टू फॉर्म पावर लेक्चर नंबर टेन गवर्नर सिस्टम आज इस लेक्चर में हम जान पाएंगे इन सिस्टम क्या होता है गवर्नर सिस्टम का क्या फंक्शन होता है एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द गवर्नर सिस्टम यूज इन आवर मॉडर्न इंजन चलिए आपको बताते हैं गवर्नर इज द डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एन इंजन बेस्ड ऑन द लोड रिक्वायरमेंट ये एक ऐसा डिवाइस होता है जब हमारा इंजन या ट्रैक्टर फील्ड में काम करता है तो उसकी स्पीड लोड के अनुसार घटती या बढ़ती है जैसा आपको पता है कि अगर ट्रैक्टर फील्ड में वर्क कर रहा है तो उसकी स्पीड जैसे लोड बढ़ेगी स्पीड कम होना चाहेगी और जैसे लोड जो है कम हो जाएगा वैसे उसका जो है स्पीड जो है बढ़ जाएगी टू अवॉइड द गवर्नर सिस्टम इज यूज दवर्नर दीड इसका है स्पीड को कंट्रोल करता है समटाइम लोड प्राइम मूवर अडजस्ट द एनर्जी सोर्स टू मेंटेन द डिजाइल लेवल तो बेसिक फंक्शन इसका क्या है ये इंजन की स्पीड को सेंस करके उसको लोड के अनुसार घटाता एंड बढ़ाता है अब देखिए बेसिक फंक्शन स्पीड विद इन द लिमिट व्हेन लोड ऑन द प्राइम मूवर चेंज तो ये स्पीड को घटाता बढ़ाता है एज पर लोड मेन फंक्शन इसका ये हुआ अब ये करता कैसे है इस चीज को गवर्नर इज द मैकेनिकल डिवाइस ये मैकेनिकल डिवाइस है जो टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द इंजन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट जो कि इंजन की स्पीड को मैकेनिकल डिवाइस है दो तीन प्रकार के मैकेनिकल डिवाइस लगे होते हैं उसके द्वारा ये स्पीड को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग द लोड पर्पज ऑफ गवर्नर इज़, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया टू ऑटोमेटिकली मेंटेन द यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड ऑफ द इंजन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स, पहला इसका फंक्शन होता कि स्पीड को लोड के बढ़ने या घटने के अनुसार स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए दैट इज द फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन क्या है प्रोटेक्टिंग द इंजन एंड अटैच द इक्विपमेंट द हाई स्पीड व्हेन लोड इज रिमूव दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है जैसे आपको कोई इक्विपमेंट चला रहे हैं ट्रैक्टर द्वारा लोड जैसे उस पर कम होगा ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ जाएगी और आपका इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा हम्म तो इस गवर्नर सिस्टम द्वारा स्पीड कांस्टेंट चाहे लोड बढ़े या घटे जिससे इसका स्पीड कांस्टेंट रहने से हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है दूसरा काम होता है इसका टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ इंजन ऑलरेडी मैंने बता दिया इट वर्क्स इंटरमिटेंटली ठीक है इसके चार फंक्शन है तो अब मुझे समझ में आप आ, ये आ रहा है कि आप लोगों के व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नर केवल स्पीड को कंट्रोल करता है चाहे लोड बढ़े यार। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ठीक है तो आपको क्लियर हो गया अब ये इट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन इंजन जैसे लोड बढ़ता है इंजन पे उस पर क्या होता है स्पीड टेन टू डिक्रीज वैसे इंजन की स्पीड कम होती है घटन, घटना शुरू हो जाती है जैसे ट्रैक्टर ट्राली को खींच रहा है और ड्रैग कर रहा है जैसे उसको स्लोप पे चढ़ना पड़ रहा है आपका क्या होगा वहां लोड पड़ेगा इंजन पे और स्पीड जो है उसकी घट जाएगी घटना चाहेगी लेकिन गवर्नर उसको नहीं घटने देता तो Which is known as the RPM drop. इसे क्या कहते हैं आर पी एम ड्राफ करते टू कंपनसेट द स्पीड द गवर्नर इज यूज द स्टेशनरी इस स्पीड को घटे कंपनसेट करने के लिए गवर्नर यूज होता है गवर्नर सभी चाहे स्टेशनरी इंजन हो जो आप जो है पंपिंग के लिए यूज करते हैं स्टेशनरी इंजन या मोबाइल इंजन जैसे पावर ट्रिलर ट्रैक्टर या जो भी होता है उस सभी में गवर्नर यूज होता है किस लिए यूज होता टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड इन द डिफरेंट लोड्स तो गवर्नर मुझे समझ में आ रहा है ये क्लियर हो गया है कि कैसे जो है गवर्नर का वर्क क्या है और इसका जो है कैसे काम करता है अब इसके बारे में हम बताते हैं कि कैसे स्पीड को वो कंट्रोल करता है पहले देख लेते हैं इन जनरल टू टाइप ऑफ द गवर्नर आर यूज दो प्रकार के गवर्नर बेसिक आप आप देखेंगे तो दो प्रकार की गवर्नर पहला क्या है हिट एंड मिस सिस्टम दूसरा गवर्नर क्या है थ्रोटलिंग सिस्टम in hit and miss system frequency of cycle of supply fuel supply control गवर्नर यह काम जो कांस्टेंट स्पीड है कैसे करता है करता है वो फ्यूल सप्लाई को जैसे लोड बढ़ता है फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देता है फ्यूल सप्लाई बढ़ा देने से इंजन की स्पीड बढ़ जाती है लोड। और जैसे ही लोड कम होता है इंजन पे फ्यूल की सप्लाई को घटा देता है कम कर देता है डिक्रीज कर देता है जिसके कारण जो है इंजन की स्पीड अकॉर्डिंगली घट जाती है तो जो ये मैंने टू टाइप ऑफ गवर्नर आपको बताया है वन हिट एंड मिस सिस्टम ये कैसे कंट्रोल करता है जो फ्यूल सप्लाई होती है कंटिन्यूस फ्यूल उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल फॉर फ्यूल सप्लाई कंट्रोल फ्रीक्वेंसी उसकी जो है कंट्रोल फ्रीक्वेंसी घटा एंड बढ़ा देती है एज पर लोड ठीक है, जबकि थ्रोटल जो सिस्टम हमने बताया थ्रोटल टाइप ऑफ गवर्नर क्या होता है फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम फ्यूज सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है इंजन में वो हमेशा सेम रहती है लेकिन क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल बीइंग कंट्रोल एज पर द इंजन लोड रिक्वायरमेंट तो ये बेसिक डिफरेंस है हिट एंड मिस में क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल फॉर फ्यूल सप्लाई इज कंट्रोल जिससे उसकी स्पीड घटन बढ़ जाती है जबकि थ्रोटल गवर्नर सिस्टम में गवर्नर सिस्टम में द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बींग कंट्रोल एज पर लोड तो ये बेसिक डिफरेंस है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है थ्रोटल सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली गवर्नर सिस्टम इज बींग यूज इन मॉडर्न देश आज के दिनों में जो भी ट्रैक्टर्स है इंजन है उसमें मोस्टली थ्रोटल जो गवर्नर सिस्टम है वो यूज हो रहा है द एक्सटेंड ऑफ थ्रोटल ओपनिंग कंट्रोल द फ्यूल सप्लाई एंड इंजन स्पीड इज इंजन स्पीड इज कंट्रोल जो इसमें मैंने आपको बताया थ्रोटल सिस्टम में जो फ्यूल सप्लाई की ओपनिंग है जैसे लोड बढ़ा वैसे ओपनिंग ज्यादा हो गई जब ओपनिंग ज्यादा होगी तो फ्यूल सप्लाई ज्यादा चला गया। जब फ्यूल सप्लाई ज़्यादा हो गया तो इंजन की स्पीड बढ़ गई स्पीड बढ़ गई तो उस लोड को तो गवर्नर क्या होता है ठीक है अब हम बात करते हैं थ्रोटल टाइप ऑफ गवर्नर वो कितने प्रकार का होता है, है? ये थ्री टाइप्स होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर सिस्टम न्यूमेटिक गवर्नर सिस्टम हार्ड टू लिंक गवर्नर्स ये थ्री टाइप्स ऑफ द गवर्नर सिस्टम है इन तीनों गवर्नर सिस्टम में एक ही प्रिंसिपल होता है जो फ्यूल सप्लाई की ओपनिंग घटाती है अब कैसे घटाता है है लोड लोड अगर कम हुआ तो घटाता है लोड अगर जो है बढ़ा तो वो बढ़ाती है जिससे इंजन की स्पीड जो कांस्टेंट होनी चाहिए वो चलती रहती है पहली बात हम करते हैं सेंट्रिफुगल गवर्नर सिस्टम दिस इज देंट्रिफुगल गवर्नर सिस्टम सेंट्रिफुगल फुगल मैकेनिकल गवर्नर इज मोस्ट कॉमनली यूज आज की डेट में जितने ट्रैक्टर या इंजन में ज्यादातर सेंट्रीफुगल ही यूज होता है इसमें होता क्या है टू स्प्रिंगल वेट आर माउंटेड ऑन द गवर्नर शाफ्ट यू कैन से दिस इज देंट्रीफुल गवर्नर गवर्नर इसमें कहा हमने दो स्प्रिंग लोडेड वेट है ये देखिए वेटी वन वेट एंड टू वेट वन वेट वे जैसे ये फ्लाई वे ये रोटेट करता है तो होता क्या है वेट इज माउंटेड ऑन द गवर्नर साफ्ट हैविंग स्लाइडिंग कोलर विच फर्दर इक्विट द थ्रोटलिंग फ्यूल सप्लाई जैसे ये स्पीड ज्यादा होती है इसकी स्पीड इस ज्यादा कब होगी जब आपका लोड कम होगा ये क्या होगा ये यहां देखिए आप हम्म तैसे जो है <clears throat> ओवर स्पीड जैसे ही ओवर स्पीड होगा ये बाहर की सेंट्रीफ्यूगल का प्रिंसिपल है कि वेट जो होता है अगर सर्कुलर मोशन करेगा वेट वो बाहर स्पीड जैसे बढ़ेगी वो बाहर की तरफ जाएगा बाहर की तरफ जाएगा यहां देखिए ये फैल जाएगा ये एक्सटेंड हो जाएगा फैल जाने से तो ये जो फ्यूल सप्लाई है फ्यूल सप्लाई को वो कम कर देगा फ्यूल सप्लाई क्वांटिटी कम हो जाएगी कम हो जाने से स्पीड कम हो जाएगी इस पिक्चर में आप समझ पा रहे होंगे और जैसे ही आपका लोड पड़ेगा स्पीड इंजन की कम होना चाहेगी ठीक है कम होना चाहेगी तो ये देखिए ये अंदर अंदर जा रही अंदर जाते ही जो फ्यूल सप्लाई पासेज है वो जो है ज्यादा खुल गया क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल विल सप्लाई मोर एंड जिससे क्या हो गया आपका इंजन स्पीड बढ़ गई तो टू स्प्रिंग लोड है सेंट्रीफुगल वेट्स are mounted on the governor shaft having sliding coupler, which further equates the throttles and fuel supply. yahi jo hai two weights, यही mechanism है. Speed बढ़ते घटते ये बाहर या अंदर की आते ही fuel supply घट जाए और बढ़ जाए. As the engine speed increase, weight fly apart.

इंजन स्पीड इ टेन टू डिक्रीज तो वाइस वर्षा है तो मुझे लगता है सेंट्रीफुगल गवर्नर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा अब आपको नोमेटिक गवर्नर सिस्टम तीनों गवर्नर सिस्टम में मैंने बताया कि फ्यूल क्वांटिटी फ्यूल सप्लाई को कम करेंगे जिससे स्पीड बट मैकेनिज्म आर डिफरेंट हाउ टू कंट्रोल द फ्यूल सप्लाई अब नोमेटिक टाइप में क्या होता है कि वेंचरी यूनिट होती है एंड एफेग्राम यूनिट्स होता है जिससे ये कनेक्ट वैक्यूम पंप से होता है वो वैक्यूम पंप आपको कंट्रोल करता है इन पोजीशन ऑफ द बटरफ्लाई वाल्व इन द वेंचुरी यूनिट इज वेंचुरी यूनिट ठीक है इस वेंचुरी यूनिट में यहाँ बटरफ्लाई आपकी लगी होती बटरफ्लाई यूनिट इज कंट्रोल बाय द एक्सिलेटेड पैडल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द वैक्यूम फ्रॉम द इनलेट मेनिफोल टू इक्विट द फ्यूल पंप यहाँ से जैसे स्पीड आपकी जो है बढ़ेगी या घटेगी ये देखिए आपका ये जो है एयर नोमेटिक में एयर मैकेनिज्म काम करता है एयर सप्लाई यहाँ पर जाएगा आप जा, इस इस यूनिट में डाई यूनिट में और यहाँ से फ्यूल सप्लाई घटा एंड बढ़ा दी जाएगी तो इसमें एयर बेसिकली एयर इनलेट जो है कंट्रोल होता है ज्यादा या बढ़ता है उसके द्वारा आपका फ्यूल पंप फ्यूल की सप्लाई कम करता है या ज्यादा करता है जिससे आपका जो है इंजन की स्पीड कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग लोड ठीक है दिस इज द सेकेंड न्यूमेटिक सिस्टम थर्ड वन इन द हाइड्रोलिक सिस्टम प्रिंसिपल इसमें भी वही है फ्यूल सप्लाई आपका कंट्रोल करेगा वर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर चेंज एंड रिसीव द आयल फ्रॉम द इंजन लुब्रीगेटिंग सिस्टम इसमें आयल जो होती है जो लुब्रिकेशन आयल होता है वो जो है अकॉर्डिंग प्रेस वो जो है सप्लाई घटती है एंड बढ़ती है स्पीड बढ़ने के साथ जिससे ये जो है फ्यूल कट करता है फ्यूल की सप्लाई कट करके और जो है इंजन की स्पीड कंट्रोल करता है द लॉस ऑफ द आयल प्रेशर कट्स द सप्लाई ऑफ द गवर्नर जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे प्रेशर कम हो जाता है और लॉस हो जाता है आयल प्रेशर जिसे फ्यूल सप्लाई कम कर देती है और और जो है और दिस गवर्नर सट डाउन द इंजन जिससे इंजन की स्पीड कम हो जाती ये देखिए ये तीनों कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में सेम ऐसे चलता रहेगा जैसे ओवर स्पीड स्पीड बढ़ेगी ये बढ़ेगा और यहां पर जो है एयर ऑयल प्रेशर लॉस होगा और, हो और जिससे सप्लाई आपकी कम हो जाएगी अंडर स्पीड अंडर स्पीड स्पीड जैसे कम होगी वैसे स्पीड को बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा और आयल प्रेशर बढ़ जाएगा और फ्यूल सप्लाई बढ़ के इंजन की बढ़ जाएगी तो गवर्नर का बेसिक फंक्शन क्या है टू सेंस द स्पीड अकॉर्डिंगली द लोड जैसे स्पीड कम या ज्यादा होगी उसी अनुसार फ्यूल की सप्लाई को जो है कम या ज्यादा किया जाएगा और उससे इंजन की स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए एवरी लोड या नो no लोड पे ठीक है ये तो मैकेनिज्म हुआ प्रिंसिपल हुआ अब हम बात करते हैं गवर्नर रेगुलेशन ये क्या होता है इसके भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं द गवर्नर इज फिटेड ऑन एन इंजन फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड ये हमने आपको बताया कि कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए लोड एंड नो लोड दोनों कंडीशन लेकिन होता क्या है कई बार कई एरर आ जाते हैं कई ऐसी उसमें जो है फॉल्ट होता है जिसके कारण क्या होता है द सेम वेरिएशन ऑफ स्पीड

वेरिएशन हो नो लोड एंड उतना तो परमेसिबल है उतना हम मानते इससे ज्यादा अगर होता है तो दैट नीड टू बी करेक्ट तो उसको हमें सुधारने की जरूरत है और उसमें कहां पर करेक्शन की जरूरत है वो हम करेक्शन करते हैं ठीक है अब ये रेगुलेशन जो होता है

एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्पीड ड्रॉप इट इज देशन इन द इंजन स्पीड बिटवीन फुल लोड एंड नो लोड कंडीशन कैंड बी एक्सप्रेस इसका फार्मूला भी ये बहुत पूछा जाता है वट इज द गवर्नर रेगुलेशन आर इक्वल टू यन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाई टू एवरेज मीन्स एन वन इज द स्पीड एट नो लोड एंड एन टू इज स्पीड ऑफ द फुल आप करेंगे तो ये गवर्नर रेगुलेशन तो गवर्नर रेगुलेशन क्या होता है नो लोड एंड फुल लोड पे जो स्पीड वेरिएशन होता है वो हंड्रेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर हंड्रेड से ज्यादा है तो उसको हमें जो है रेक्टिफाई करना चाहिए अब गवर्नर हंटिंग क्या होती दूसरा टर्म गवर्नर हंटिंग होता गवर्नर हंटिंग इज ऑफ़ गवर्नर फेन इट ओवर कंपनसेट फॉर द स्पीड चेंज इरेटिक वेरिएशन का मतलब जब लोड बढ़ा लोड बढ़ते ही एकदम सडन स्पीड कम हो गए फिर हमने सप्लाई गवर्नर काम करना शुरू किया स्पीड तुरंत बढ़ गई तो घटा बढ़ा जो एर जो एरेटिक चेंज इन स्पीड है वो नहीं होनी चाहिए व्हेन गवर्नर प्रोड्यूस पीरियडिक इफेक्ट ऑन द इंजन स्पीड लाइक टू फास्ट टू स्लो देन टू फास्ट एंड सो ऑन इट इज साइन ऑफ द गवर्नर हंटिंग इसी को गवर्नर हंटिंग कहते हैं अब गवर्नर हंटिंग होता क्यों है

तो उस कारण होता है गवर्नर गवर्नर कंपोनेंट जैसे स्प्रिंग है वेट है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा वहां कोई पर obstruction है, कोई हिंड्रेंस है तब हंटिंग होती है तो मुझे मुझे लगता है गवर्नर का ये लेक्चर गवर्नर के बारे में आपको कंप्लीट बताया जा चुका है इसमें आपको पूरी तरीके से यह पता हो गया व्हाट इज़ द गवर्नर गवर्नर का फंक्शन क्या होता है पहला गवर्नर का फंक्शन टू सेंस द स्पीड अकॉर्डिंग द लोड और उसको कांस्टेंट स्पीड पे मेंटेन करना फिर मैंने बताया गवर्नर कितने प्रकार का होता है हिट गवर्नर दूसरा क्या होता है थ्रोटलिंग में गवर्नर थ्रोटलिंग बेसिकली यूज होता है नाउ डेज थ्रो उसमें क्या होता है आप क्वांटिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ फ्यूल इज डिक्रीज या इंक्रीज एज पर द स्पीड जिसके कारण आपकी स्पीड मेंटेन रहती फिर हमने आपको बताया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द थ्रोटलिंग टाइप ऑफ गवर्नर देयर इज थ्री टाइप ऑफ थ्रोटलिंग गवर्नर वन इज देंटिफोल गवर्नर सिस्टम सेकेंड इज द न्यूमेटिक गवर्नर सिस्टम थर्ड वन इज द हाइड्रोलिक गवर्नर सिस्टम इसके हमने आपको प्रिंसिपल बताए कैसे ये जो है आपकी फ्यूल सप्लाई को घटाते एंड बढ़ाते हैं एज पर द लोड इसके बाद दो टर्म आता है गवर्नर रेगुलेशन एंड गवर्नर हंटिंग मुझे लगता है कि ये लेक्चर बहुत ही लाभदायक होगा आप लोगों के लिए और ये सारी चीजें पॉइंट याद हो गई होंगी सारे आप इससे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे थैंक्स फॉर योर पेशेंट हेयरिंग ऑल दी बेस्ट